Everything on the inside. Acaba, ahora voy a lavar eso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله किसने चमकता दिन है बचारात सुहानी किसने दी कोई बता दे दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन जवानी किसने दी जो यकता है कुदरत में वो है मेरा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह याद करो फिरौन के घर में मूसा को किसने पाला गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को किसने संभाला पहले आग में डाला फिर आग को भूल कर डाला उनके नाम के गुण गाते हैं इब्राहिम खलील इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कम दार दिए न संसार दिए कम दार दिए न संसार दिए दर सारी सरकार दिए सारी सरकार दिए जो डूबे बेड़े तारे दिए जो डूबे बेड़े तारे दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए फरमाया है मेरे नबी ने मेरे नबी ने बख्शिश विच दीदार दिए बख्शिश विच दीदार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए अरशा परशा बानी हर अरशा परशा माने हर शह अरशा परशा माने हर शह दो जग दे मुख्तार दिए हाँ दो जग दे मुख्तार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए मैंने गल आज से कहता मैंने गलता आज से कहता दुनिया नारे मारे दिए सुन दे दुनिया नारे मारे दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार जब भी मांगो जरूर देते हैं जब भी मांगो जरूर देते हैं
भी मांगो जरूर देते हैं, जब भी मांगो जरूर देते हैं, है अकेला हुजूर देते हैं, देते हैं अकेला हुजूर देते हैं। उनकी रहमत जोर दे दे है, दे दे है अकेला
डालिया रब भेजदा दरूद दिया डालिया हाँ रब भेजदा दरूद दिया डालिया प्यार मेरे आका दा सीने च होवे प्यार मेरे आका दा सीने च होवे जगाए के रैडली मदीने विच होवे जगाए के रैडली मदीने विच होवे रज रज के चुमे बेरे तालिया रब भेजदा दरूद दिया डालिया हाँ रब भेजदा दरूद दिया डालिया बेलिया हुजूर दिया मैं बिना सजाया कर बेलिया हुजूर दिया आया कर दिन रात सोने दे दरूद तू पहुँचाया कर दिन रात सोने दे दरूद तू पहुँचाया कर कर देर किया ते कर देर किया ते कर देर किया सदा खुशहालियाँ हाँ कर देर किया सदा खुशहालियाँ रब भेजदा दरूद दिया डालिया जो इस दर पर सदा नहीं देता सदा नहीं
नबी के दर पे आ जाओ, जो इस दर पर है।
उनके मालिक से उनकी कीमत पूछी तो उसने 3 गुना ज्यादा कीमत बताई, तो सदीक अकबर ने वो कीमत फौरी तौर पर अदा कर दी। तो वो मालिक कहता है, सदीक मैं तो तुझे बहुत बड़ा ताजर समझता था, तुझे तो तिजारत ही नहीं आती, तूने ऐसे कोझे बंदे के लिए इतनी कीमत अदा कर दी। तो सदीक अकबर ने फरमाया, तू बिलाल की कीमत को नहीं जानता, मैं तो ये सोच के आया था अगर बिलाल के बदले मुझे 13 गुलाम बनना पड़ता मैं बन जाता, लेकिन बिलाल को आजाद करवा लेता। हजरत बिलाल नबी करीम की बारगाह में आ गए, उनकी ड्यूटी अजान देने पे लग गई। एक दिन नबी करीम ने फरमाया, बिलाल खाना काबा की छत के ऊपर खड़े होकर अजान दो। ये है कुव्वत इश्क। कहां वो बिलाल तपती रेत पे लेटा हुआ है, जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहा है। जब मेरे नबी के साथ निस्बत हो गई, मोहब्बत हो गई, तो खाना काबा की छत के ऊपर खड़ा है जो मुसलमानों का किबला है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं जमीन पर होता था तो मैं किबला की तरफ रुख करता था, आज तो या रसूल अल्लाह मैं किबला के ऊपर हूँ, खाना काबा के ऊपर हूँ, आज मैं रुख किस तरफ करूं? तो नबी करीम ने फरमाया, आज रुख मेरी तरफ कर ले, क्योंकि मैं काबे का भी काबा हूं। हाजी वो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। कहां वो बस्ती और कहां ये मंजिल नसीब हुई मेरे नबी की मोहब्बत के सदके से। फिर मक्के के बड़े बड़े सरदार आपको सैयदना बिलाल कहते थे, और ये अजमत नसीब हो गई थी जब तक आप अजान नहीं देते थे सूरज ढलू नहीं होता था। और एक दिन नबी करीम ने फरमाया, बिलाल तू सबसे पहले जन्नत में जाएगा, मैं जिस ऊंटनी पे सवार होऊंगा उसकी मुहर तेरे हाथ में होगी, तू आगे आगे चलेगा, मैं पीछे पीछे होऊंगा। ये है कुव्वत इश्क से पस्त को बाला कर दे। फिर जब बंदे को नबी करीम की मोहब्बत नसीब हो जाती है, उसका सबसे पहला फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा ये है कि बंदे को कामल मुकम्मल ईमान नसीब हो जाता है। हजरत उमर से फरमाया, उमर बताओ मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अपने कारोबार माल औलाद दुनिया जहां की हर चीज से बढ़ के आपके साथ मोहब्बत करता हूं। तो नबी करीम ने फरमाया, क्या अपनी जान से बढ़ के नहीं करते? अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह अपनी जान से बढ़ के नहीं करता। तो नबी करीम ने फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपनी जान से बढ़ के मुझसे मोहब्बत ना करे। तो फिर हजरत उमर फारूक के ऊपर निगाह डाली, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब आप मुझे मेरी जान से भी प्यारे हैं। तो नबी करीम ने फरमाया, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ, तो तेरे दिल में जो इश्क शाह उमंग नहीं आए आबदो पारसा, तेरी पारसाई भी रायगा, तेरी बंदगी भी फजूल है। एक जनाजा नबी करीम की बारगाह में पेश हुआ। हजरत उमर फारूक के पास तो सितारों के शुमार के बराबर नेकियां हैं, इनके पास नेकियां नहीं है। उनका जनाजा नबी करीम की बारगाह में पेश हुआ तो फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये बड़ा गुनाहगार बंदा है, अगर आप इसका जनाजा पढ़ाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो नबी करीम ने साहबा से फरमाया, कोई है कि कोई गवाही दे कि उसने कोई नेकी की हो? एक साहबी खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने इसको ज्यादा नेकियां करते तो नहीं देखा, लेकिन एक जंग की रात थी, मैं और ये आपके खेमे के बाहर पहरा दे रहे थे, ये कह रहा था जो तीर लगे, जो नेजा लगे, जो तलवार लगे, मुझे लगे, नबी करीम सलामत रहे और मैं शहीद हो जाऊं। नबी करीम ने फरमाया, आओ इसका जनाजा पढ़ाते हैं। आपने उसका जनाजा पढ़ा दिया। उसका जनाजा पढ़ाने के बाद फरमाया, उसके चेहरे से कफन उठा के फरमाया, फलां बिन फलां, लोग तुझे जहन्नवी कहते हैं, मैं अल्लाह का नबी होके कहता तू जन्नती है। और फारूक आजम से फरमाया, उमर सुन लो, क्यामत के दिन लोगों से अमाल नहीं अकीदा पूछा जाएगा, और अकीदा क्या है? अपनी जान से बढ़ के नबी करीम के साथ मोहब्बत कर देना। अभी जान कुर्बान नहीं की, सिर्फ नीयत की है, इस नीयत पे ही मेरे नबी ने उसे जन्नत की बिशारत दे दी। फिर मोहब्बत की दूसरा फायदा क्या है? कि बंदा जिसके साथ मोहब्बत करता है उसका हशर नशर उसी के साथ होगा। एक साहबी हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्यामत कब आएगी? नबी करीम ने फरमाया, क्यामत के बारे बड़ा पूछ रहे, बड़ा खतरनाक दिन है, तैयारी की है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह माल तो बड़े थोड़े हैं। तो नबी करीम ने फरमाया, फिर क्या है तेरे पास? अर्ज करता, या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत करता हूं,
तो नबी करीम ने फरमाया फिर खुश हो जा, तू जन्नत में मेरे साथ होगा। और फरमाया बंदा जिसके साथ मोहब्बत करता है उसका हशर नशर उसी के साथ होगा। ये तो थे मोहब्बत के फायदे। अब मोहब्बत की कुछ निशानियां हैं। हर बंदा नहीं दावा कर सकता कि मैं हुजूर के साथ मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत की सबसे पहली निशानी यह है कि बंदा अपने महबूब का दीदार चाहता है। अल्लाह ताला सबसे बढ़ के हुजूर करीम के साथ मोहब्बत करता है तो कुदरत की निगाहें हर लम्हा चेहरा मुस्तफा को तकती रहती हैं और कुदरत की जुबान पे हर लम्हा दुरूद मुस्तफा है, नाते मुस्तफा है, सलाम मुस्तफा है। और नबियों के बाद जिनका मुकाम है वो सदीक अकबर हैं। उनकी एक ही दुआ थी कि या रसूल अल्लाह मेरी आंखें आपका चेहरा हो। तो सदीक अकबर के करम से मुर्शद करीम की निगाह से हमारी भी दुआ बन गई कि ते वेखन तो पहले मर ना जाइए या रसूल अल्लाह। ये जन्नत का टिकट है। जब हम ये दुआ करते हैं तो इसकी दो ही सूरतें हैं, या तो दीदार हो जाएगा मेरे नबी की अता से, ये खालस नम दीदार मुस्तफा नबी करीम की अता से है, ये कोई विर्द वजीफों से नहीं होता, ये मेरे नबी की अता है। अगर तो दीदार हो गया तो वली बन जाओगे। दूसरी सूरत है कि अगर दीदार नहीं होता तो दीदार मुस्तफा की हसरत शम्मा बन के तेरी कब्र को रोशन कर दे। एक औरत थी, उसकी यही दुआ थी, वो यही दुआ करती थी कि देखन तो पहले मर ना जावा या रसूल अल्लाह। उसे किसी वजह से दीदार नहीं हुआ, अल्लाह ने अपने सामने खड़ा कर लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया तूने ये गुनाह किया, वो गुनाह किया, फला गुनाह किया, वो मान दी गई, वो डर गई, पता नहीं क्या बनेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तो इसके सारे गुनाह मिटा दो, मैंने इसको बख्श दिया है और जन्नत अता कर दी। फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह समझ नहीं आई, तेरा तो हुक्म है जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, तूने इसको बख्श दिया है। तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तो तुम ये तो देखते रहे ये गुनाहगार है, तुमने ये ना देखा कि ये मेरे महबूब के दीदार की तमन्ना भी करती रही है, इस तमन्ना के सदके मैंने उसे बख्श दिया है। तो ये जन्नत का टिकट है और मोहब्बत की बड़ी निशानी है। किते देखन तो पहले और नबी करीम ने फरमाया वो हिलाक वो हिलाक वो हिलाक। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन हिलाक? नबी करीम ने फरमाया जिसने मेरे देखने की तमन्ना नहीं करनी। फिर मोहब्बत की दूसरी बड़ी निशानी यह है कि बंदा अपने महबूब का जिक्र करता है। मोहब्बत भी हो और जिक्र ना हो ये कैसी मोहब्बत है? जो किसी का आशिक होवे वो गल उसे दी करता, सौ सौ मकर बहाने करके ओदे मरने मरदा। वो दुरूद शरीफ पढ़ता है, नाते पढ़ता है, मिलाद मुस्तफा मनाता है। बात कोई भी हो उसका मरकजी नुकता उसका महबूब होता है। मुर्शद करीम के पास तबलीगी जमात वाले आ गए, दरवाजा खटखटाया जी, सरकार बाहर तशरीफ ले गए। इधर तैयबा मस्जिद में हमारा अमीर आया हुआ है, कलमे पे मेहनत होगी, दीन की बातें होंगी। तो मुर्शद करीम ने फरमाया तुम मुझे इतना बता दो, ये जो तुम बातें कर रहे हो क्या नबी करीम सुन रहे हैं? वो कहते तौबा तौबा ये तो नहीं हो सकता, ये तो शिरक है। तो मुर्शद करीम ने फरमाया अल्लाह तो कुरान मजीद में फरमाता है या अय्युहन नबियु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता है महबूब भेजा हमने आपको हाजिर नाजर, खुशी और डर सुनाता। शाहिद कौन होता है? जो मौके का गवाह होता है, जो सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है, अजल से लेके अब तक जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे नबी की निगाहों के सामने हो रहा है। तो वो कहते नबी तो नहीं सुन सकता। तो मुर्शद करीम ने फरमाया मेरा तो नबी सुन रहा है, तुम्हारा नबी कोई और है, मेरा नबी कोई और है। इसी तरह वो गुड्डू साहब के पास भी आ गए, गुड्डू साहब ने भी यही जवाब दिया। तो वो आपके पास भी आएंगे, वो तुमसे कहेंगे कलमे पे मेहनत होगी, दीन की बातें होंगी, तुम भी उन्हें मुर्शद करीम के नक्शे कदम पे चलते हुए यही जवाब देना। तो फिर वो दुम दबा के भाग जाएंगे। फिर मोहब्बत की निशानी ये है जो हुजूर से मोहब्बत करता है, जब भी हुजूर करीम का नामे नामी इसमें ग्रामी आता है वो दुरूद शरीफ पढ़ के अंगूठे चुन के आंखों को लगाता है। ये सदीक अकबर की सुन्नत है। नबी करीम ने फरमाया जो भी मेरे यार की तरह ऐसा करेगा वो दौड़ता हुआ मेरे पीछे जन्नत में चला जाएगा। और पूरे आलम इस्लाम के मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो ये अमल करता है तो ये छोटा सा अमल, लेकिन इसमें ताजीम मुस्तफा है, अदब मुस्तफा है और मोहब्बत मुस्तफा है। फरमाया जो भी ये करता है, दुरूद शरीफ पढ़ के अंगूठे चूम के आंखों को लगाता है, उसी लम्हे उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, शिफात वाजब हो जाती है और जन्नत का हकदार हो जाता है।
और मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है कि बंदे की उम्र 200 साल से 250 साल उसकी उम्र थी। बहुत जालिम था, लोगों पर उसने बड़े जुल्म किए। जब वो मर गया तो लोगों को उसके ऊपर इतना गुस्सा था कि उसके गले में रस्सी डाल के उसकी लाश को रूढ़ी में फेंक दिया। कहा कि हम इसे कफन दफन का इंतजाम नहीं करेंगे, इसकी लाश को चील कुएं खा जाए, बोटी बोटी कर दें, तब हमारे कलेजों को ठंड पड़ेगी। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम वो फलां बस्ती में मेरा बख्शा हुआ बंदा है, जाओ जाकर उसके गुसल का कफन दफन का इंतजाम करो, उसका नमाज जनाजा पढ़ाओ, जो कोई भी उसका जनाजा पढ़ेगा वो भी बख्शा जाएगा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो वो एक रूढ़ी पे पड़ा हुआ था, तो बड़े हैरान हुए उसकी हालत देख के। तो आपने उसका गुसल किया, ऐलान किया कि जो इसका नमाज जनाजा पढ़ेगा वो भी बख्शा जाएगा। आपने नमाज जनाजा पढ़ाई, उसका कफन दफन किया। उसके बाद अर्ज करते हैं, या रसूल या अल्लाह, मेरी शरीयत के मुताबिक ये गुनाहगार है, तूने इसको बख्श दिया, इसका जनाजा पढ़ने वाले को भी बख्श दिया, या अल्लाह समझ नहीं आई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम तू ठीक कहता है, तेरी शरीयत के मुताबिक ये गुनाहगार है, लेकिन मुझे अपने लिहाज है, एक दिन इसने तौरात खोली थी, तौरात में नाम मोहम्मद लिखा हुआ था, उसको इसने बोसा दे दिया था, उस बोसे के सदके मैंने इसे बख्श दिया है, इसका जनाजा पढ़ने वाले को भी बख्श दिया, बल्कि इसका निकाह 70 हूरों के साथ कर दिया। ताजीम जिसने भी की मोहम्मद के नाम की, खुदा ने उस पे आतिश दोज़ख हराम की। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी तो बना देता है नाम मोहम्मद। फिर मोहब्बत की तीसरी बड़ी निशानी यह है कि बंदे को अपने महबूब में से कोई नक्श नजर नहीं आता। वो ये नहीं कहता हुजूर नूर नहीं है, हजर नाजर नहीं है, हयात नहीं है, शफी नहीं है, माल को मुख्तार नहीं है, आखिरी नबी नहीं है, वो तो किसी को कुछ दे नहीं सकते, उनको तो दीवार के पीछे का इलम नहीं है। तो जो ऐसी बोली बोले वो मोहब्बत से खाली है। हजूर नबी करीम मोहम्मद है, मोहम्मद कौन होते हैं? तारीफ किया गया, फिर तारीफ किया गया, फिर तारीफ किया गया, जिनकी अजमत बयान ना हो सके, जिनकी तारीफ बयान ना हो सके, उसे मोहम्मद कहते हैं। और जो हुजूर की को इल्मे गैब ना माने उसे मोहम्मद नहीं माना, जो हुजूर को नूर ना माने उसे मोहम्मद नहीं माना। मोहम्मद में सब कुछ है, इल्मे गैब भी है, नूर होना भी है, हाजर नाजर होना भी है, हयात होना भी है। जो ऐसे ऐसे मोहम्मद मानता है वो हुजूर को मोहम्मद मानता है। जबानी कलामी कलमा हर कोई पढ़ता, दिल का कलमा कोई हो, दिल का कलमा क्या है? दिल और जान से हुजूर की अजमत को मान लेना, यही दिल का कलमा है। और ये शेर हसान बिन सावद ने मेरे नबी के सामने पढ़ा, वाह समु मिंका लम तरकत वाइनी वाजमलु मिंका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मबर्राउ मिन कुल्ली आबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आप सासीन देखा नहीं, किसी मां ने आप सासीन जना नहीं, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक और मुनज्जा बनाया है, और अल्लाह ताला ने आपको ऐसे बनाया जैसे आपकी मर्जी। हजूर करीम खुश हो गए और अपनी चादर मुबारक तोहफे में अता फरमा दी। तो मोहब्बत की तीसरी बड़ी निशानी यह है कि बंदे को अपने महबूब में से कोई नक्श नजर नहीं आता। फिर मोहब्बत की चौथी बड़ी निशानी यह है कि बंदा अपने महबूब के नक्शे कदम पे चलता है, उनकी सुनतों को बनाता है, शरीयत मुतारफ पे अमल करता है। और ये भी याद रखें कि अमाल में कमी मोहब्बत रसूल पूरा कर सकती है, लेकिन मोहब्बत में कमी कोई अमल पूरा नहीं कर सकता। ये तो थे मोहब्बत के फायदे और निशानियां, अब ये मोहब्बत आती कहां से है? एक यहूदी था, उसका एक लौता बेटा था। यहूदी कहीं सफर पे जाने वाला था, उसने अपने बेटे को सारे खजाने दे दिए, जायदादें दे दी, साथ एक डब्बी भी दी, और कहा सब कुछ मैंने तेरे हवाले कर दिया, लेकिन तूने ये डब्बी नहीं खोलनी। तो वो बाप सफर पे चला गया, पीछे उस बेटे को बड़ी ख्वाहिश हुई कि सब कुछ तो मुझे दे दिया, ये डब्बी क्यों नहीं दी? तो जब उसने डब्बी खोली, इसमें कलमा शरीफ लिखा हुआ था, जब उसकी जुबान पे नाम मोहम्मद आया, उसे हुजूर करीम के साथ मोहब्बत हो गई। तो जब उसका बाप वापस आया, उसने अपने बेटे से पूछा, क्यों जी डब्बी तो नहीं खोली? कहता, डब्बी तो खोल ली है, मैंने तो कलमा पढ़ लिया है, मुझे हुजूर करीम के साथ मोहब्बत हो गई है। बाप को बड़ा गुस्सा आया, कहता मैं तेरा इलाज करता हूँ। अपने मुलाजमो से कहता है, इसको मेरी जमीनों पर ले जाओ, सारा दिन इससे मेहनत मुशक्कत करवाओ, और रात को इसे हथकड़ियों बेड़ियों के साथ बांधो, जब तक यह हुजूर के साथ मोहब्बत करता है।
तो उसे ऐसा ही किया गया, हथकड़ियों बेड़ियों के साथ बांध दिया। कुछ दिन यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन मेरे नबी के करम से हथकड़ियां भी खुल गईं, बेड़ियां भी खुल गईं। वो हुजूर करीम की बारगाह में भागा आ रहा था तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक बच्चा आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत लेके आपकी बारगाह में आ रहा है। तो नबी करीम ने फरमाया, जिब्रील नहीं, कोई बंदा उस वक्त तक मुझसे पहले मोहब्बत नहीं कर सकता जब तक उसे पहले मैं मोहब्बत ना करूं। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उससे दोगुना ज्यादा मोहब्बत करता हूं, उसके सदके में वो मुझसे मोहब्बत करता है। हो ना हो मेरा जिक्र हजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देख के मुस्कुराई क्यों। करम की भीख मिले तो याद बनती है, हजूर आप नवाजे तो बात बनती है। ये तो थे मेरे नबी करीम का एहसान करम। उस युवती के बेटे को मोहब्बत अता फरमा दी। एक मेरे नबी का कानून है, असूल है, मोहब्बत किसे मिलती है। नबी करीम ने फरमाया, जिसकी बैत नहीं उसकी बैत जाहलियत की मौत है। और उलमा कराम फरमाते हैं, जाहलियत की मौत से मुराद ऐसे ही है जैसे अबू जहल मर गया और वो बंदा मर गया, यानी वो जहालत की मौत मरेगा जिसकी निस्बत औलिया अल्लाह से नहीं है। अल्लाह ताला कुछ नहीं देता नबी करीम के बगैर, और नबी करीम कुछ नहीं देते मुर्शिद करीम के बगैर। हमारे जितने भी पीर भाई मिसाल फरमा चुके हैं, खलीफा गफार साहब, जब उनसे पूछा गया कि प्रोफेसर साहब अब आपकी अगले जहां का वक्त शुरू हो चुका है, बरज़ख की जिंदगी शुरू हो चुकी है, अब आप बताएं ये जो आपने मुर्शिद करीम सफी लजपाल डॉक्टर अली मोहम्मद मत्ता जिले आली के हाथ में हाथों हाथ हाथ दिए थे, क्या इस निस्बत का आपको कुछ फायदा हुआ। वो फरमाते हैं, जब मैं कब्र में गया तो जब मुनकर नकीरों को पता चला कि ये सरकार डॉक्टर अली मोहम्मद दामद बरकातुल आलिया का गुलाम है, तो उन्होंने मुझसे सवाल नहीं पूछे, मेरी जन्नत की खिड़की खोल के चले, सवाल पूछे ही नहीं है। फिर अताउल्लाह चौधरी साहब के वाले साहब थे, उनसे भी पूछा गया, उन्होंने कहा जब मैं कब्र में गया तो मुर्शिद करीम सफी लजपाल डॉक्टर अली मोहम्मद दामद बरकातुल आलिया मेरी कब्र में तशरीफ ले आए और मेरी जन्नत की खिड़की खोल के चले गए। और पिछले दिनों डॉक्टर हसन अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह सभी लजपाल का उर्स मुबारक था, उन्होंने भी फरमाया कि मुझे नबी करीम ने अपना नायब मुंतखिब कर लिया है और ये अजमत मुझे इस वजह से मिली है, मुर्शिद करीम की वजह से मिली। तो अल्लाह ताला हमारे मुर्शिद करीम का साया हमारे सिरों पे सलामत रखे, इनकी जो भी तालीमात हैं हमें उन पे चलने की तौफीक अता फरमाए, इन्हीं की गुलामी में जीना, इन्हीं की गुलामी में मरना तौफीक अता फरमाए। इसी शेर के साथ इजाजत चाहूंगा, सोने पीर दे रंग नगीवा शाला मैं भी सुहागन थीवा, मेरे साथ साथ दे विच खामी करो गलतियां माफ तमामी, जहां इश्क शराब में पीवा शाला मैं भी सुहागन थीवा। मुस्तफा जाने रहम बे हद सलाम शमाए बजमे हिदायत बे हद सलाम पड़ गई जिस पे दम में दम आ गया पड़ गई जिस पे दम में दम आ गया इस निगाहे इनायत पे बे हद सलाम डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा अजमते आलिया मेरे पीरे तरीकत पे बे हद सलाम सैयदी आला हजरत पे बे हद सलाम। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सैयदना मुहम्मद अलैहि वसहाबी वबारक वसल्लम। या रसूलल्लाह निगाह करम फरमाए नजर इनायत फरमाए सरकार को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, इन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, इनकी सारी आल औलाद खानदान पाक की खैर फरमाए, उन्हें खुशियां अता फरमाए, उम्र लग जाए मेरी मेरे पीर को, इनका सब घराना सलामत रहे, आमीन या रब्बिल आलमीन बि रहमतिका या रब्बाना।
انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کارنا اننی فی بارِ غمِ مغرقن خود زبی صلی اللہ نا اشکارنا قوت عشق تے ہر پست کو بالا کر دے دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے مولا اس میں محمد نوازا مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دامت برکاتہ غالی رشید کامل عاجل عطا فرما انہوں نے نارائن پاک دسر کے سلسلے دے ہر بندے دی نیک تمنا پورا فرما مولا پھر نبی پاتے درود جترا تیرا نزدیک اردہ نشمار جترا درختہ دے پتے پاہ دے قطر رہ دے درے لے جتری تیری رحمت ہے جترا تیرا فضل ہے مولا یو صلی وسلم دائمان آبدا آبدا کثیرا کثیرا مولا کتے دیکھا تو میں نے مر نہ جائیے یا رسول اللہ مولا اہل کارا تے کروڑا رحمت عطا فرما مولا کرم کر دے کرم کر دے کرم کر دے میرے پیر و مرشد کو صحت کامل عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد والے و صحابہ اجمعین رحمت اللہ